नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। एनएससी अर्थात नेशनल सीड कॉरपोरेशन ने विभिन्न पोस्टों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, तो आज हम इसके बारे में जानकारी देंगे। ये वैकेंसी जो करंट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एज लिमिट एक बाउंडेशन है, तो जिससे जो करंट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा चांसेज है। सबसे पहले ये जान लेते कि एनएससी होता क्या है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1963 में हुआ था, और ये नेशनल सीड कॉरपोरेशन का फंक्शन क्या है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो है वो फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन करती है डिफरेंट फार्म पे। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दो क्वेश्चन। एक तो 1963 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और सेकंड थिंग्स ये फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन करता है। अब हम बात करते हैं, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलर किसके अंतर्गत है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इसमें जो है पोस्टों की संख्या जो इन्वाइट की गई है, जैसे कि नंबर एक पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की एग्जीक्यूटिव लेवल पे, और इसकी जो बेसिक पे है वो 40,000 रुपये है और प्लस डीए है तो 1,360 रुपये। तो ये आपकी टोटल सैलरी होती है। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है, करंट ईयर स्टूडेंट के लिए हम इसलिए बोले क्योंकि ये मैक्सिमम एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 25 ईयर्स। तो इसलिए जो भी अभी करंट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा चांसेज है। और इसमें जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए है, बीएससी एग्रीकल्चर विथ फुल टाइम एमबीए, इसमें अनरिजर्व 2 सीटें हैं। तो सीटों की संख्या कम है, लेकिन इसमें सीटों की संख्या टोटल 27 सीट है और 25 ईयर 25 ईयर मतलब समझ रहे हैं कि अभी जो स्टूडेंट बीएससीएजी जस्ट पास आउट हुए होंगे या एमएससीएजी, उन्हीं के लिए ये फार्म फिलअप कर सकते हैं। ओवर एज होने वाली बात ज़्यादा है, तो फार्म जो भी एलिजिबल हैं वो डालें, क्योंकि पोस्टें यहाँ कम होती हैं, वहाँ स्टूडेंट कम अप्लाई करते हैं और चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो ये आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोडक्शन में है, बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमबीए या एमएससी आपका एग्रोनॉमी या सीड टेक्नोलॉजी या प्लांट ब्रीडिंग या एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी से अगर एमएससीएजी है तो आपके लिए अच्छा चांसेज है। 27 पोस्ट हैं, इसमें एज बाउंडेशन जो है वो काफ़ी है। इसके बाद देखिए काफ़ी पोस्टें हैं इसमें, ये आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इसके बाद सीनियर ट्रेनिंग के अंतर्गत है, डिप्लोमा ट्रेनिंग अर्थात सुपरवाइजरी लेवल तक है। इसका जो बेसिक पे है वो 22,000 रुपये है और 748 रुपये डीए है। इसमें भी काफ़ी पोस्टें हैं, जैसे अब इसमें 48 पोस्ट है, 48 पोस्ट हैं, तो पोस्टों की संख्या बहुत कम नहीं है टोटल मिला के, तो पोस्टें काफ़ी हो जा रही हैं। बीएससी एग्री प्लस एमबीए फुल टाइम या 2 ईयर फुल टाइम पीजी डिग्री मार्केटिंग एग्री बिजनेस और एमएससी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो ये आप अगर एमएससी एजी हैं, अगर आपके पास बीएससी एजी प्लस एमएससी एजी की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है मैक्सिमम एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग, तो ये है एज बाउंडेशन की भी इसमें बात है। 18 पोस्टें हैं, ये तमाम पोस्टें हैं ये आपको हम जो है अपने टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा देंगे, साथ साथ इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं उस डिस्क्रिप्शन लिंक से, साथ ही साथ इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं उनको हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे और ये भी मिल जाएगा उनको। तो जो भी स्टूडेंट आपको लग रहा है, जो भी आपके सीनियर हों, अगर आप अभी जूनियर हैं और सीनियर हों, तो उनको आप ये बता दें सर पोस्ट आई है। इसके बाद ये ट्रेनिंग में है, इसमें 17,000 है, तो काफ़ी पोस्टें हैं टोटल 27, 22, 11, तो ये हमें लग रहा है कि 400-500 करीब पोस्टें होंगी टोटल अगर मिला लिया जाए। तो ये पोस्टें हैं, इन पे जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है, साथ साथ देखिए ये इंटर एग्रीकल्चर के लिए भी है। इंटर एग्रीकल्चर जो भी स्टूडेंट है और वो जॉब करना चाहता है तो 16,500 रुपये बेसिक पे है, बहुत कम ज़्यादा तो नहीं है लेकिन क्या किया जा सकता है। तो ये अनरिजर्व की 10 सीटें हैं, टोटल 21 सीटें हैं। इसमें क्या है, आप इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर या बायोलॉजी से होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसमें जो टर्म और कंडीशन है, ये आपको पीडीएफ रूप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसका मोड ऑफ सिलेक्शन आपका कैसा होगा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, रिटर्न एग्ज़ाम के बाद आपका बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम आपका जो है
इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें 70% जो रिजल्ट बनेगा, 70% आपका रिटर्न एग्जाम का मार्क्स होगा और 30% आपका जो मार्क्स होगा वो इंटरव्यू का होगा। लेकिन ये दिया हुआ है 70% रिटर्न एग्जामिनेशन एंड 30% ऑन इंटरव्यू। इस बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और सीनियर ट्रेनिंग के लिए भी आपका रिटर्न एग्जामिनेशन वही सेम प्रोसीजर है, ट्रेनिंग के लिए भी ट्रेनिंग ये आपका। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आप 14/4/2018 अर्थात आज की डेट से कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है वो 5 मई 2018 है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जैसा कि ये भी आप डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग 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 में सबके लिए 27 मई 2018 इसने दे रखा है। द वेन्यू जो होगा, एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन सेम डे एट सेम वेन्यू। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये भी एक मेन है, ऑफलाइन होगा तो डरने की बात नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम ये होगा। और फीस जो है, फीस स्ट्रक्चर जो है ये 500+25 अर्थात 525 रुपये, 525 ये आपकी फीस हो जाएगी। और हो सकता है कि अदर कैटेगरी के लिए छूट भी हो तो वो अपना देख लेंगे। ये सब आपका है। द ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी इंडियन अर्थात ये आपका यूजीसी लेवल का होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, काफ़ी अच्छा चांसेज है। क्योंकि इसमें मिनिमम एज रिस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम एज जो रिस्ट्रिक्शन दिया है उसकी वजह से काफ़ी कम स्टूडेंट इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो जो भी करेंट ईयर के स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर दें। और रिटर्न एग्जामिनेशन जैसे ऑफलाइन है, 27 मई को कंडक्ट होगा। इसका जो है हम लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध करा देंगे।